शाहजहाँपुर के बंडा थाना क्षेत्र में खलिहान की भूमि पर अवैध रूप से तालाब बनाए जाने की शिकायत उच्च अधिकारियों को करने के बाद भी जब उसका पटान नहीं कराया गया तो पीड़ित ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, हल्का लेखपाल व खंड विकास अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायती पत्र में बताया कि गांव में ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, खंड विकास अधिकारी, हल्का लेखपाल ने साठ गांठ कर खलिहान की भूमि तथा बच्चों के खेलने के मैदान को तालाब में तब्दील कर दिया है, जिसमें पूरे गांव का गंदा पानी आता है। गांव के मुख्य सड़क के महज 5 मीटर की दूरी पर बने इस तालाब में गंदे पानी के गिरने के कारण कोई भी बीमारी फैल सकती है, जिससे छोटे बच्चों व ग्रामवासियों को जान माल का खतरा बना हुआ है। तो वही ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे तालाब को समतल कराते हुए बच्चों को खेलने की जगह बना सकें और तालाब निर्माण में प्रयोग किए गए सरकारी धन का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया जाए। मेरा नाम राजबहादुर सिंह है, मैं ग्राम रसूलपुर गढ़िया का रहने वाला हूं। समस्या ये है, चारों तरफ से रास्ताएं गुजर रही हैं, ये तालाब खोद दिया गया है, कोई भी आके इसमें गिर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। यहाँ पे तालाब जो है वो काफ़ी गहराई में खोदा गया है, खलिहान की जगह है, जबकि 19 तालाब हमारे ग्राम सभा के अंदर हैं, वो उसमें पानी नहीं गिराया गया है। और सचिव, प्रधान, सेक्रेटरी राजकुमार शुक्ला व अन्य लोगों को और लेखपाल मोनिका सिंह को सबको मिला के इन्होंने साठगांठ से अपना तालाब खुदा दिया अवैध रूप से। आपने इसकी कहीं शिकायत करी है? शिकायत की, जन सुनवाई पे पोर्टल पे भी डाला और 3-4 बार शिकायत कर चुका हूँ, SDM, DM और ब्लॉक हर जगह दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री तक भेज चुका हूँ, कोई भी सुनवाई नहीं हुई हमारी। मेरे गांव का रसूलपुर गढ़िया का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में एक अवैध तालाब खुदा है, गाटा संख्या 323, जिसमें अवैध है और हमारे गांव के बच्चों के लिए उसमें जिंदगी का खतरा है और 2 रोडों से सटा हुआ है, मेन चौराहे के पास है। इसको हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये तालाब जल्द से जल्द पटवाया जाए ताकि हमारे गांव के व्यक्तियों को और बच्चों की जिंदगी सुचारू रूप से जी सकें, नहीं तो आने वाले दिनों में इन बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है।